इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 11वां सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ए मॉस्को में, बी न्यूयॉर्क में, सी गोरखपुर में, डी टोरंटो में। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। गंगा पार विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। पुल निर्माण से संबंधित आने वाले खर्च की राशि की बाधा दूर करते हुए मंत्रालय की विभागीय एक्सपेंडिचर फाइनेंस समिति EFC ने 1116.62 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हुए मंजूरी दे दी है। 4.367 किलोमीटर लंबा पुल को 4 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाकायदा इसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को 51 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है। 68 पाए वाले इस पुल निर्माण में 21.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 2.2 हेक्टेयर सरकारी भूखंड है, जबकि 19.1 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार अपने कोष से करेगी और बकायदा इसके लिए जिला प्रशासन को 51 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है। पुल के नीचे से पानी का जहाज निकल जाए इसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आवश्यकता के अनुसार पुल के नीचे के पाए के बीच में स्पेस और ऊंचाई प्रदान किया जाएगा। भागलपुर के बाईपास TOP में विदाई समारोह आयोजित। भागलपुर के बाईपास TOP में रविवार को विदाई से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पूर्व TOP प्रभारी सुनील झा को नवनियुक्त प्रभारी मिथिलेश कुमार के अलावा थाने के सभी पुलिसकर्मी और मुखिया अजय राय ने अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। वहीं मौके पर मिथिलेश कुमार का पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बुके देकर स्वागत किया है। विदाई समारोह में सुनील झा ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समारोह में मिला यह सम्मान और आप लोगों का प्यार वे सदैव याद रखेंगे। यूको बैंक के सीनियर मैनेजर समेत 2 की कोरोना से भागलपुर में गई जान। भागलपुर जिले में कोरोना का भयावह रूप देखा जा रहा है। एक तरफ जहां मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जिले में रविवार को कोरोना से 2 की जान चली गई है। कोरोना संक्रमित यूको बैंक के सीनियर मैनेजर समेत 2 लोगों की जान मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान चली गई। दरभंगा जिले के आनंद नगर मोहल्ला निवासी शहर के यूको बैंक के मुख्य शाखा में बतौर सीनियर मैनेजर कार्यरत थे। 10 जुलाई को उनमें कोरोना का लक्षण पाया गया था, जिसके बाद उन्हें मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। रविवार दोपहर उनकी ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे उनकी जान चली गई। दूसरी मौत ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ला निवासी एक शख्स की हो गई है। रामसर क्षेत्र में अब तक 2 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं जिले भर में अब तक 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 1030 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 560 केस ठीक भी हो चुके हैं। अपनी व्यथा बताकर लोगों को कर रहे मास्क पहनने की अपील। नौगछिया में बड़े पैमाने पर कोरोना वॉरियर संक्रमित हुए हैं। नौगछिया पुलिस जिले में 60 से अधिक पुलिसकर्मी विगत 10 दिनों में संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों के बीच कोरोना का जबरदस्त डर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिसकर्मियों का हौसला बुलंद है और वे लोग दिन रात लगातार लोगों को सेवा दे रहे हैं। रविवार को नौगछिया हाईस्कूल के पास प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी बिना मास्क के चल रहे एक व्यक्ति को इस तरह समझा रहे थे कि देखिए, हम लोग हर वक्त मास्क पहनते हैं, जब आवास पर जाते हैं और आईना देखते हैं तो मास्क ही नजर आता है। मास्क लगाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जब सोते हैं तो मास्क को खोल कर सोते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मास्क पहनकर ही सो रहे हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को असुरक्षित कर सकती है, इसलिए मास्क जरूर पहनें। लोकल वोकल को बढ़ावा देने के लिए भाजपा करेगी गांव मोहल्ले का दौरा। जिला अध्यक्ष नौगछिया भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत
पुनरुत्थान का पर्व गांव, गरीब, किसान, मजदूर, प्रवासी मजदूर, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग कर्मी आदि के हित को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए प्रथम संदेश वोकल और लोकल पर बल दिया है। विनोद मंडल ने कहा कि कोरोना काल में प्रत्येक देशवासियों से स्वदेशी अपनाना चाहिए, तभी भारतीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायक सिद्ध होगा। गोपालपुर मैजिक पर लदे 40 बोरा अरवा चावल जब्त, चावल व मैजिक मालिक पर मामला दर्ज। गोपालपुर के तिनटेंगा करारी के ग्रामीणों द्वारा पिकअप से 40 बोरा अरवा चावल को गोपालपुर थाने के निकट सैदपुर गांव में पकड़कर गोपालपुर पुलिस के हवाले कर दिया। गोपालपुर पुलिस ने मामले की जानकारी SDSO को दी। SDSO शशिकांत राम तत्काल गोपालपुर थाना पहुंचे व तिनटेंगा करारी के ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। ग्रामीण बासुकी मंडल के लिखित आवेदन पर गोपालपुर थाने में अज्ञात PDS डीलर व मैजिक मालिक व ड्राइवर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तिनटेंगा करारी के एक PDS डीलर को 40 बोरा अरवा चावल जिम्मेनामा पर दिया। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, वरीय अधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजद की बैठक में किया गया संगठन विस्तार, कोरोना की चिंता छोड़ कुर्सी की चिंता में लगी है सरकार, बोले जिलाध्यक्ष। इस्माइलपुर प्रखंड के छोटी पर्वता गांव में मुखिया मनोज मंडल उर्फ महेश फौजी के आवासीय परिसर में राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष लड्डू दास की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक का संचालन मनोज कुमार मंडल उर्फ महेश फौजी कर रहे थे। मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहिद्दीन, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अभिलाषा कुमारी सहित कई नेता मौजूद थे। मौके पर संगठन विस्तारीकरण के तहत नव मनोनीत राजद के पदाधिकारी को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रामविलास सिंह एवं अरविंद राम को किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पर मनोनीत किया गया। नारायणपुर प्रेमी संग अपहृत महिला गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार से मासूम बच्चे के साथ अपहृत महिला प्रेमी के साथ भवानीपुर पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास ने गुप्त सूचना पर कटिहार के बसगाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। कांड के अनुसंधानकर्ता अनिल रविदास अपहृत महिला के पति मथुरापुर निवासी राजा शर्मा ने कटिहार जिले बसगाड़ा निवासी विकास शर्मा के विरुद्ध पत्नी को बहला फुसला कर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि कानूनी कार्रवाई करते हुए विकास शर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। वहीं बरामद महिला का कोर्ट में बयान दर्ज कर मेडिकल जांच करवाया जाएगा। नवगछिया में सड़क पर एकाएक अचेत होकर गिर पड़ा अधेड़ समाज सेवी ने सड़क पर अचेत अधेड़ की मदद। नवगछिया में रविवार को डॉक्टर एपी झा क्लिनिक के 100 मीटर पूर्व अभियन 31 पर शाम के 4 बजे एक लगभग 60 वर्षीय अधेड़ रोड पर अचेतावस्था में लावारिस पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने अचेतावस्था में सड़क पर पड़े अधेड़ की मदद की। उन्होंने पानी खरीद कर पहले उसके चेहरे पर छिड़काव किया, कुछ देर बाद उसने आँख खोली तो उसे बगल के चाय दुकान पर ले गए और चाय नाश्ता कराने के बाद कारण पूछा तो उसने बताया कि अचानक ही चक्कर आ गया और हम गिर पड़े। इसके बाद श्री यादव ने उसे मोटरसाइकिल से अपने घर पहुंचाया और घर वालों ने श्री यादव को धन्यवाद दिया। बताया कि लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने के कारण इन दिनों उन लोगों को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। वहीं मौके पर श्री यादव ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि उन लोगों को सरकारी सहायता दिलवाने की पहल की जाएगी। नवगछिया में सर्पदंश से 7 वर्षीय बच्ची की गई जान। परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर शंकरपुर निवासी चतुरी शाह की पुत्री रितु कुमारी 7 वर्षीय की मौत सर्पदंश से हो गई। परिजनों ने बताया कि वह 3-4 बच्चों के साथ खेल रही थी, इसी दौरान उसके पास जो शैम्पू था वह नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह चौकी से नीचे उतरी। जहां शैम्पू का पुड़िया गिरा था वहां पर एक बिल था जिसमें पहले से सांप बैठा हुआ था। शैम्पू उठाने के क्रम में सांप बिल से निकलकर बच्ची को दंश कर लिया। सर्पदंश के बाद उसे परिजनों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने परबत्ता पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर परबत्ता पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया। बच्ची की मौत से माँ सावित्री देवी का रो रो कर बुरा हाल है। सावित्री देवी एवं चतुराई शाह को 3 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। इकलौती पुत्री की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मॉर्निंग में 5 बजे सुबह उठा, ठीक है, और बच्चा खेल रहा था, कैसे वो सैंपल मान में चल गया और उस बच्ची ने वो मान से जो सैंपल निकाला बस उसमें सर काट लिया। किसको? बच्ची को। रितु कुमारी। नवगछिया के गोपालपुर में 8 लीटर देसी शराब बाइक के साथ धंधेबाज गिरफ्तार।
गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर पुलिस ने कलिंदी नगर निवासी सिंटू सिंह पिता स्वर्गीय महेश्वर सिंह को 8 लीटर देसी शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उक्त जानकारी गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने दी। बिहपुर के मड़वा से विवाहिता का शव बरामद। रविवार को बिहपुर पुलिस एवं स्वजनों ने मड़वा गांव से अपहृत विवाहिता का शव को जयरामपुर दियारा के कुछ दूर कोसी नदी किनारे से बरामद कर लिया। शव को मोटे कपड़े से लिपटा हुआ था। बता दें कि अपने पति के अवैध संबंध के विरोध करने पर 8 जुलाई की रात में प्रखंड के मड़वा गांव में विवाहित शिखा कुमारी उर्फ सुग्गी को शादी की नीयत से अगवा कर लिया गया था। विवाहिता की हत्या की नीयत अगवा किए जाने की आशंका को लेकर उसके पिता खरी के तेलघी गांव निवासी विनय सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्या करके आशंका है कि इसको घर में ही तकिया से या कि कपड़ा से मुंह बंद करके या गला दबा करके इसका हत्या कर दिया है, क्योंकि वहां पर तो हम लोग थे नहीं। वहां का तो क्या हुआ, तो हम लोग थाने में आवेदन दिए हुए थे कि हम ये गायब है, आशंका है कि ये लोग इसकी हत्या कर। अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178773250524 37 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।